गुड इवनिंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। अभी आपने एक ऑसम ब्लॉसम सेशन एंजॉय किया जिसमें सर ने आपको बहुत सारी खूबसूरत बातें बताई। मैं यहीं पे सुन रहा था, मुझे भी फिजिक्स आ गई। तो चलिए सबसे पहले तो आप ये बता दें आप लोग कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल टू दिस ब्यूटिफुल अनअकैडमीज नीट यूट्यूब चैनल नीट लाइव डेली एंड आई वेलकम यू ऑल। आई एम माई सेल्फ अश्वनी त्यागी। वैसे तो सारे जानने वाले ही हैं हम, तो आपस में बात कर रहे हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार कौन कौन आ चुके हैं। पहले फटाफट से एक जनरल डिस्कशन से निकल लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। पिछली बार में जो हमने बातें की थी वहीं से कनेक्ट करूंगा। गाइज, मैंने बात की थी आपके साथ पिछली बार के बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है। आज मैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको दोबारा से बताने वाला हूं, और उस डिटेल पे आपको मजा भी आएगा पक्के से। बट याद रखना है आप ये इस टॉपिक को जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में जरूर अप्लाई करके देखिएगा, आपको तब और ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। जब चीजें समझ में आती हैं तो मजा आता है, जब वो अप्लाई होने लगती हैं तो मजा डबल हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीट आर बेस्ट टीम, डॉक्टर सचिन कपूर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, अश्वनी त्यागी, नमो कॉल सर एंड महेंद्र सर, अभी आपके फेवरेट सर गए हैं अभी क्लास लेके, आपने अटेंड की क्लास। तो चलिए शुरू करें, आगे देखिए कुछ जनरल डिस्कशन फटाफट से। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 7 है, इससे पहले के लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किए उससे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो प्लीज लेक्चर्स अटेंड करे ताकि उसे इसके साथ कनेक्ट करने में मजा आए और उसके साथ कनेक्ट भी इजीली कर पाए। तो शुरू करते हैं। देखिए ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप से पहले का डिस्कशन है। इसमें क्या है हमारे पास, tinyurl.com/neetlivechat। ये जैसे ही आप टाइप करोगे ब्राउजर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद, तो आप हमसे इससे जुड़ सकते हो। 5200 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इस पे, जिनसे हमारा डेली का राबता हो रहा है बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्लस है, प्लस पे हर चीज प्लस है। एक बार प्लीज एक्सप्लोर कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। टेस्ट हैं, रेगुलर क्विजेज हैं, टेस्ट सीरीज है प्रॉपर, और वो भी वो टेस्ट सीरीज में जो पेपर्स हैं, दीज आर मेड बाय द बेस्ट एमिनेंट फैकल्टीज ऑफ इंडिया। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। यहां पे क्विज हैं, डाउट सेशंस हैं, पर्सनलाइज्ड है, 1-to-1 आपका डाउट स्किप नहीं हो सकता है, और हमारी कोर टीम वहां पे अवेलेबल है। रेगुलर सेशंस चल रहे हैं, एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के साथ साथ टीचर्स के आप प्रोफाइल देखें, फॉलो भी करें, उससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये कोर टीम वहां पे पढ़ा रही है, साथ में मैं भी पढ़ा रहा हूं, और भी बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बहुत दूर दूर से, आप दिल्ली, कोटा, मुंबई सबसे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके साथ आपको ऑसम ब्लॉसम एक्सपीरियंस अगर लेना है तो आप जरूर प्लस पे जाएं। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे डॉक्टर्स, मेरे प्यारे डॉक्टर्स, उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस सेक्शंस में जाना है। प्लस सेक्शंस में जाने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशंस आप मत लगाइए, मैथ्स नहीं लगाएंगे अभी। मैथ्स लगाने के बजाय आप 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अभी हमें 9 से 10 महीने लगातार, 11 महीने इनफैक्ट लगातार साथ रहना है। ओके, तो लंबी रेस दौड़नी है तो बेटा कैलकुलेशंस छोड़ दीजिए मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पे आपको याद रखिएगा, आपका 25,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन है, जिस पे नीट लाइव कोड अप्लाई करने पे आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा इस कोर टीम की तरफ से। तो ये कोड आपके दिमाग में एम्बेडेड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नीट लाइव कोड सीधे सीधे 10% सामने से हट जाता हूं, आप देख सकते हो 10% का डिस्काउंट कोर टीम की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो चलिए सी यू देयर गाइज, वहां पे आपको देखूंगा जल्दी। शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो नैतिक अब मैं देख लेता हूं एक बार कौन कौन आ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जल्दी से। पिछले लेक्चर से कनेक्ट करूंगा गाइज मैं आपके साथ, और आपको पक्के से मजा आएगा। 7 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे लेक्चर में, 6-7 क्वेश्चंस, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया दिया जाए। जैसे क्विज में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने, गाइस इट वाज ऑसम क्विज टुडे, बहुत सारे बच्चों ने 36 यानी 34 मार्क्स, ये जितने भी 32-36 मार्क्स उनके आए, यानी उन्होंने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए 9 के 9 उन्होंने सही किए। इट शोज द राइट डायरेक्शन, इट शोज द टारगेट, लाइक यू हैव द व्यू टू योर टारगेट, डायरेक्ट व्यू मींस आपका सीधा सीधे निशाना किस पे है, इस पे सीधे सीधे आपके टारगेट पे। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं, हम हाजिर हैं सर, ये बोल रहे हैं कोमल, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, दामिनी थैंक यू वेरी मच गाइस, सुरभि तिवारी,
बलदेव, डॉक्टर रेहान, रेहान से अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी बेटा, दोबारा से फिर आपका वेलकम करता हूं। और बेटा एक बात और याद रखिएगा, हमारा टारगेट सीधे सीधे दोबारा नहीं बोलूंगा इस लेक्चर में, आई विल कीप माय प्रॉमिस, दोबारा आपसे बात नहीं करूंगा इस बारे में। हमारा इस लेक्चर में टारगेट 300 लाइक्स का है, तो गुरु दक्षिणा कितनी होनी चाहिए? 300। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा, इस पर मैं एक मिनट भी एक सेकंड भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं। तो गाइज इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर टू यू नाउ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था बेटा, लास्ट लेक्चर में, अब जरा ध्यान देना इस बात पे, अभी फिलहाल आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें करने जा रहा हूं उस पे आप लोग जरा अटेंटिव रहिएगा ताकि आपको मजा आए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ बात की कि जो एनर्जी कैलकुलेशन होती है, एनर्जी, एक बात मैंने बताई थी आपको कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो बच्चों का मुझसे क्वेश्चन था सर नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है वो एनर्जी क्या रखे हुए, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे हुए वहां पर, जब तक इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखा है तब तक इलेक्ट्रॉन वहां से भाग नहीं रहा है, यानी सीधे सीधे बोले तो इमोशनल अटैचमेंट है न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का। जैसे इमोशनल अटैचमेंट खत्म होगा इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा बाहर, कभी वापस नहीं आएगा। यही इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। यह बात मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से देखिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मैंने आपके सामने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बताया था, उसे डेराइव भी कराया था, उसकी जरूरत आज पढ़ने वाली है, तो प्लीज एक बार उसे रिकॉल कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए, En मैंने आपको बताया था कितना होता है हमारे पास, 21.8 इंटू 10^-19। गाइस ध्यान से देखिएगा, 21.8 इंटू 10^-19 जूल पर एटम, ये क्या होती है, पर एटम में एनर्जी है, कितनी है पर एटम, एक एटम के लिए। तो याद रखेंगे En, अगर मैंने En को निकाला था, En क्या है यहां पे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, माइनस तो वहां पे आएगा ही आएगा, तो माइनस लगाना अगर आप भूल गए तो क्या हो जाएगा, गलबल हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। देखो ध्यान से, En इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखिएगा, हमें पता है 1 जूल, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गाइस कितनों को आप में से मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, जल्दी से लिखेंगे। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10^-19 जूल्स। मालूम है या नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है ये बात आपको। ये वैल्यू हमने यहां पर पटक दी तो हमारे पास आ जाएगा −21.8 × 10^-19, और साथ में क्या था, z² भी था अपॉन n² भी था, ये भूलना नहीं है। तो यहां पे देखो, यहां पे मैंने रखा z² अपॉन n² z क्या है यहां पे गाइज, Z क्या था यहां पे, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास, इसके नीचे हमने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10^-19 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ गई एनर्जी। अब देखो इससे ये मसाला खलास, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 13.6, तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाती है En इज इक्वल टू आ जाता है −13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी आ जाती है। ये मैं प्रूव कर चुका हूं एक बार आपके साथ, समझ में आ गया था ना, ये चीज क्लियर थी बिल्कुल, ये बात आपको गाइस दोबारा से देख लो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हमने कैसे निकाली थी, En बोलते हैं। दो बातें आपको क्लियर हो गई, पहली चीज के एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि नेट पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 0 है, इसका मतलब नीचे जाएंगे उससे तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सीधे सीधे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, यानी ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर रोक के रखे हुए है। सही बात है बिल्कुल, मुझे सब डांटते हैं, महिमा बोल रहे बेटा कोई नहीं डांट रहा है आपको, अभी फिलहाल आप इधर फोकस रखें, ठीक है ना। तो चलिए, ये बातें मैं आपके साथ कर चुका था, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, यहां पे इस बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके, तो जरा एक बार इस बात पे आप जरा ध्यान दें बेटा दोबारा से। हमारे पास क्या आएगा यहां से, इसे मैं हटा रहा हूं, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, कुछ बच्चों का मेरे से क्वेश्चन था कि आपने फॉर्मूले डायरेक्ट कैसे लिखे, तो उस पर जरा एक बार आते हैं। यहां से देखो, En हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, En, थोड़ा सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा वरना तो बोर्ड कम पड़ जाता है फिर हमें। तो क्या आएगा हमारे पास, En, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितनी आएगी हमारे पास, −13.6 z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ गई, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई ये एनर्जी हमारे पास, क्या आ गई, nth ऑर्बिट के लिए आ गई। अब जरा ध्यान दो, यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो E1 कितनी आ जाएगी हमारे पास गाइज, बताइए आप वैल्यू पुट करके, आ जाएगी −13.6
अंदर क्या आएगा, जेड स्क्वायर, और एन की वैल्यू तो वन ही है, तो वन स्क्वायर वन ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन वन, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन वन, और ये आ गई टू। इक्वेशन टू से इक्वेशन वन में अगर मैं इस मसाले की वैल्यू पुट कर दूं, ध्यान से देखिएगा इस मसाले की वैल्यू, ये मसाला आप देख रहे हो ना यहां पे, सब लोग जो मुझसे पूछ रहे थे एक बार प्लीज पे अटेंशन टू दैट, अगर इस मसाले की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं इस मसाले की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ई n is equal to E1 over n square, क्या आ जाएगा, En is equal to E1 over n square, and that beautifies Bohr's atomic model. ये Bohr's atomic model की beauty है, देखिए कैसे, यहाँ पे हमें पता चल रहा है साफ साफ के E2 क्या होगा हमारे पास, E2 is equal to हो जाएगा E1 by 4, E3 हमारे पास कितना होगा guys, E1 by 9, E4 हमारे पास कितना आ जाएगा E1 upon A 16, स्क्वायर करते चले जाएंगे एंड सो ऑन, समझ रहे हैं। और जब n की वैल्यू आप क्या रख दोगे, जब n की वैल्यू आप क्या रख दोगे इंफिनिटी, तो E इंफिनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनफाइनाइट ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहां से एटम के अंदर से इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाने को क्या कहते हैं आयोनाइजेशन। दोबारा से सुन लो, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो यह बात आप याद रखना है, आपको याद कुछ नहीं, मैं डराइव करा ही रहा हूं आपको साथ साथ, ध्यान से देखिए क्या आएगा हमारे पास, यह बात याद रखने वाली तो है साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से, देखिएगा ध्यान से, हमारे पास ई आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ ई एन, यानी जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास उसे कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको बाहर ले जाने के लिए, माइनस ई एन, ई एन क्या है उसकी एनर्जी, उसकी वैल्यू पुट करोगे आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब समझे डॉक्टर साहब लोग, सोचिए इसका मतलब, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो आयनाइजेशन एनर्जी अलग होगी, अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो आयनाइजेशन एनर्जी अलग होगी, अगर हाइड्रोजन में है तो अलग होगी, हीलियम में है तो अलग होगी। क्लियर है ये बात, पक्के से क्लियर है, जल्दी से बताइएगा आपको ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िया, देखिए ध्यान से, ई आयनाइजेशन इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं डॉक्टर्स ध्यान देना, इसको हम लोग कहते हैं सेपरेशन एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस इसको, सेपरेशन एनर्जी भी बोला जाता है। क्लियर है ये बात बिल्कुल, दोबारा से देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कितनी है माइनस ऑफ ई एन, जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन हो उसके सामने माइनस लगा दो एनर्जी के तो क्या आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में अलग, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग, एटम टू एटम, ऑर्बिट टू ऑर्बिट क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। इसका मतलब समझ गए आप लोग, अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आपको ऑर्बिट का पता होना चाहिए, एटम का पता होना चाहिए, इन दोनों इंफॉर्मेशन के बिना एनर्जी आप नहीं निकाल सकते हो। गॉट इट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, क्लियर है ये बात बिल्कुल। अब इसी पे एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर चुके हैं ना गाइस, डॉक्टर्स फटाफट से बताएं समझ में आ गया है नहीं। अनी गुप्ता थैंक यू वेरी मच बेटा, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है मुस्कान, सेपरेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज टू बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन टू मेक इट्स टोटल एनर्जी जीरो, बाइंडिंग एनर्जी क्या कर दो जीरो करने के लिए, जिस एनर्जी की जरूरत है उसे क्या बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी, सेपरेट करने की एनर्जी, नाम से पता चल रहा है भाई, समझ रहे हो या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं इसे, तो हम बिल्कुल सही बात है मुस्कान, थैंक यू वेरी मच अदिति, यस महिमा क्लियर है बिल्कुल, यस और कोई भी जल्दी से, माधव, माधव आपको क्लियर है बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, सुरभि, मुस्कान, कावेरी, तो ये कावेरी पॉल, कावेरी पॉल आपने आज ही ज्वाइन किया ये नेटवर्क, तो थैंक यू बेटा एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो एक बार फिर इसे देखेगा और मुझसे बात करेगा, अब इससे आगे इससे भी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, देखो जरा एक बार, अगर मजा नहीं आ जाए इसलिए ब्लैंक स्लाइड रखी है ताकि आपको और बता पाऊं। आप ध्यान से देखिए ये बात, आप देखिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है गाइस, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है एंड सो ऑन, ये फिफ्थ एंड डॉट 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 nth ऑर्बिट, ओके। यहां पे एनर्जी कितनी है E1, यहां पे एनर्जी कितनी है E2, यहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन की E3, यहां पे कितनी है E4, यहां पे कितनी है गाइस E5, और इस ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी, यस EN, क्लियर, डांट नहीं रहा हूं सिर्फ एनर्जी दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे, यहां से हमारे पास क्या होगा E1, अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लेके चलूं, किसके लिए लेके चल रहा हूं, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए
इतना हिंट आपके लिए काफी है। देखो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लूं तो E1 कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 देखो जरा एक बार, E2 कितनी हो जाएगी, -13.6/4 यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 कितनी हो जाएगी, -13.6/9 यानी 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, E4 कितनी हो जाएगी हमारे पास, E4 हो जाएगी 13.6/16 यानी कितना, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके एंड सो ऑन चलते चले गए, E इंफिनिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो इसमें, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं बच्चों, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम होती चली जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हो, एज वी मूव अवे फ्रॉम द ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स डिक्रीजेस। देखो ध्यान से, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का गैप देखो जरा एक बार, अगर ये ब्यूटी फाइना करे तो बताना कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। लेकिन यहां से यहां जाने के लिए देखो जरा एक बार, इसकी एनर्जी कितनी है, 1.53, और इसकी कितनी है, 3.4। तो हमारे पास E3 - E2 कितना हो जाएगा, E3 - E2 विल बी इक्वल टू, गाइस जल्दी से बताइए, आ जाएगा E3 कितना, -3.4 E3 - E2। तो कितना आएगा गाइस, E3 - E2 अगर हम लेंगे तो +3.4 और -1.53 कितना हो जाएगा, जल्दी से देखिए, यहां से 1.53 3.4 तो ये आ जाएगा 2 point something। तो ये एनर्जी का गैप इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि E2 - E1 is greater than E3 - E2 which is greater than E4 - E3 which is greater than and so on। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स हैं बहुत पास पास आती जा रही हैं, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ गुड नेबर। उनके आपस में छतें मिल जाती हैं, छत से कूद के इधर उधर आते जाते रहते हैं। ये बात बड़ी बेहतरीन है, देखिए ध्यान से, यानी एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट कहां थी, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑर्बिट सपोज यहां पे थी, ऐसे थी फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का गैप यहां पे था, तो सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच में गैप क्या होगा, इतना रह जाएगा। थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में गैप और कम हो जाएगा, फिफ्थ ऑर्बिट और कम। हालत यह हो जाती है कि क्रोमियम में सुना है ना आपने, क्रोमियम में क्या होता है बेटा, 3D5 आपने सुना है ना, 3D4 4S2, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एनर्जी का गैप क्या हो जाता है, बहुत कम। आप खुद ही सोच लो, अगर मैं आपको बोलूं कि 15 फीट गैप है घरों के बीच में, जंप करके दिखा दो, तो क्या आप लोग वो रिस्क ले पाओगे, नहीं ले पाओगे वो रिस्क। लेके देखिएगा आप लोग, फिर आपको आराम से बेड पे लेट के यूट्यूब देखने का लुत्फ मिलेगा, ठीक है ना, आप ट्राई कर रही है उसका। लेकिन दूसरा देखिए, अगर हम बोले कि सिर्फ 2 ही फीट का गैप है दो घरों के बीच में, तो जंप आराम से कर सकते हैं, तो यह बात आपको अच्छे से मालूम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, यहां पे देखो एनर्जी का गैप आपको पता चल गया, एनर्जी कैसे आती है आपको पता चल गया, एनर्जी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं और साथ साथ बीच में मैं देखूंगा कि आप लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। यह क्लियर है सबको, मुझे बताइए जल्दी से। यस, बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, क्लियर बिल्कुल, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, एनर्जी का गैप कम होता चला जाता है। हालत यह होती है कि फोर्थ ऑर्बिट के बाद तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के घर आराम से आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्यों? थोड़ा सा फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन अपने घर से दूसरे घर में, एनर्जी लूज की वापस अपने घर में, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस लगातार चलते रहते हैं, ये बात याद रखनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लक्की बात समझ में आ रही है आपको, स्वस्तिक मिश्रा, यस, आज अंधेरा क्यों है सर, आज अंधेरा क्यों है, कहां अंधेरा है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है, यहां पे तो खूब रोशनी है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अंधेरा बोल रहे हैं बच्चे, नहीं कोई नहीं, क्लियर है बिल्कुल, पक्के से एकदम 100% गाइस, जल्दी से क्रिस्टल क्लियर, वैशाली ने बोला है क्रिस्टल क्लियर, साजिद बेटा क्लियर है बिल्कुल, देख लेना फटाफट से, क्योंकि हम ये रिस्क नहीं ले पाएंगे। फाजिल मदनी, फाजिल तुम्हारा नाम, तो चलिए, होठों पे तबस्सुम लाता है, तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे। ये हमारे पास छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैं देखता हूं आप लोग कितना इन्वॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें गाइज, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन के लिए एनर्जी निकालिए। तो आप जरा ध्यान से देखो, हमें पता है इसके लिए आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कभी आप निकालने बैठ जाएं सीधे क्या करेंगे, सीधे हमें पता है EN
ई एन इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, ई एन इज इक्वल टू होती है ई वन इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसी के लिए भी, किसी भी एटम के लिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी ई, कौन सी ऑर्बिट में बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ई हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि z क्या है इसके लिए 2 है, तो z का स्क्वायर 4 हो जाएगा और n स्क्वायर 1 ही है, तो यहां से आ गया हमारे पास माइनस 54.4, कितना आ जाएगा माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, आप जरा ध्यान दो, यह आया माइनस 5.44 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18। आप देखो 5.4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 से थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास गाइस जल्दी से देखिए, ये आ जाएगा 8.7 इंटू 10 रेज टू द पावर, देखो इनमें से 8 वाला एक ही ऑप्शन है, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 जूल्स। और ये क्या है पर एटम, बेटा पर मोल भी पूछ ली जाती है, तो बच्चों गलती नहीं करनी है। मैंने क्विज में आपको आज दिखाया था कि बहुत अच्छे क्वेश्चन भी नीट में पूछे गए हैं, ये क्लियर है बिल्कुल। तो आंसर मैं देख लेता हूं एक बार आप में से कितनों का सही आया, फाजिल क्लियर है बिल्कुल पक्के से 100%, अगर 100% से कम क्लियर है तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है तो हमें रिस्क नहीं लेना है। ओके गाइज, तो चलिए जल्दी से, जूल बोले तो बेटा, जूल बोले तो एनर्जी की यूनिट, और क्या, मुन्ना भाई बोले तो संजय दत्त, तो जस्ट लाइक जूल बोले तो एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये बात याद रखनी है। तो ये बिल्कुल क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, तो मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और आपको थोड़ा फायदा भी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। मैं आपको देख ही लेता हूं कि आपको समझ में आया है नहीं, सो गाइज प्रूव कि आपको समझ में आ गया है, जल्दी से प्रूव करके दिखाइए कि आपको समझ में बात आ चुकी है, जल्दी से शुरू करें फास्ट। यस यस यस, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से आप ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें, 42 सेकंड आपके पास हैं, फास्ट, इसके बाद हमें आगे बढ़नी है। यस yes, आ गया गुरुजी, थैंक यू वेरी मच बेटा, आप गार्गी, सोफिया, सात्विक, ओके, माही, करिश्मा, करिश्मा काफी दिनों बाद आप नजर आ रहे हो, इज एवरीथिंग ओके। तो चलिए शशांक, शेखर, फटाफट से बताएं बेटा, यस फाजिल क्लियर है बिल्कुल 100% बोल रहे हो आप, देख लो। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ गया तो ठीक है, अब यहां से इसे हटा देते हैं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास दो एटम दिए गए हो, दो डिफरेंट एटम आपको कंपैरिजन के लिए दिया जाए, डोंट वेस्ट टाइम, सीधे सीधे क्या फॉर्मूला ठोकोगे ई, यहां पर देखिए सीधे सीधे आप लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला सीधे यूज कीजिए, क्या ई एन वन ओवर ई एन टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू आ जाएगा जेड वन ओवर जेड टू का होल स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा एन टू ओवर एन वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सीधे सीधे कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे आज के बाद। ओके बच्चों, डॉक्टर्स, प्यारे डॉक्टर्स, टाइम सेव करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करना उन्हें भी आता है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये बात आपसे अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है, तो आप प्लीज ये बात याद रखें कि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पर्पज नहीं है, क्वेश्चन को 45 सेकंड में सॉल्व करना हमारा काम है, तो यह बात आपने याद रखनी है। जल्दी से पटको वैल्यूज, हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होती है 13.6, तो पटका मैंने, तो ई हीलियम किसके लिए बात कर रहा हूं, हीलियम प्लस अपॉन ई हाइड्रोजन माइनस 13.6 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जेड हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, जेड हीलियम कितना है 4 अपॉन जेड हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही बात कर रहे हैं, देखो आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर ऑर्बिट ना दी गई हो, ग्राउंड स्टेट क्या होता है गाइस, ग्राउंड स्टेट, यानी हमें किस में बात करनी है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही बात करनी है, तो यहां से ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, एन वन एन टू तो यहां से उड़ ही जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी हीलियम, जल्दी से इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली हमारे पास ई किसके लिए बात की गई है, लिथियम प्लस 2 के लिए, तो लिथियम प्लस 2 के लिए गाइस जल्दी से देखिएगा कितनी आ जाएगी माइनस 13.6 इंटू 9, और आपको मालूम है 13.6 इंटू 9 कितना होता है 122, तो ये आ गया हमारे पास कितना माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया, इसलिए क्वेश्चन क्या है गलत है, जल्दी से बताएं फटाफट। आयुष ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही दिया, आयुष आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर, तो बड़ा मजा आता है कि आपका आंसर 45 सेकंड में अगर आपका आंसर आने लगे, जैसे आज की क्विज में भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम फ्रेम फिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करें, जो हम आपके
सेशंस लेते हैं जिनमें हम बताते हैं टाइम मैनेजमेंट, यही तो टाइम मैनेजमेंट है कि आपको एक मिनट दिया जाए, आप एक मिनट से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा गाइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? यस फास्ट, हमारे पास ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। कौन सा पूछा है? हीलियम और लिथियम पूछा है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। समझ गए बेटा? तो चलो आगे बढ़ो जल्दी से। डॉक्टर सचिन, बात क्लियर है बेटा? यस, चलिए डॉक्टर सचिन को बात बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं। मैंने बोला था बीच में बेटा मैं बीच में बात नहीं करूंगा, आपकी जिम्मेदारी छोड़ी हुई है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, और क्वेश्चन को इस बार आप ही सॉल्व करेंगे, तो इसे भी मैं क्विज़ी बना रहा हूं आपके लिए। एक मिनट से पहले फाजिल आंसर आना चाहिए, जल्दी से मुस्कान, फाजिल, सुरभि, ऑल, एक मिनट से पहले आंसर आना चाहिए। संजीव मित्तल, फास्ट संजीव, नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट जल्दी से देखिए आप लोग क्वेश्चन को, 45 सेकंड्स आपके पास अभी भी हैं। सिमरन क्लियर है? थैंक यू वेरी मच बेटा। यस, बी फॉर बॉम्बे, यस बी फॉर बॉम्बे। सुरभि जल्दी से, बी फॉर बॉम्बे, इसमें भी बी फॉर बॉम्बे आ रहा है? नहीं, मेरा मैम मेरा नाम भी लो। ओके सौविक दत्ता, सौविक दत्ता बेटा आई वेलकम यू हियर। आप लोग लगातार क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए, आपका नाम हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। ओके, डोंट यू वरी अबाउट। नहीं सर, बिफोर बॉम्ब, यस बिल्कुल सही बात है गौरव, बिफोर बॉम्ब। तो छोड़िए अभी फिलहाल, हम इन पे डिस्कशन ना करके क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जल्दी से, फास्ट फास्ट जल्दी, मैं इसे हटा रहा हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको ओरली कराया था और बोला था कि इसको कैसे करना है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आप ध्यान देने, पीछे से मैं शुरू कर रहा हूं इसे जानबूझकर, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने बोला था सर समझ में इसे ओरली हमसे नहीं हुआ, आपसे क्वेश्चन ओरली होंगे आई गारंटी यू। आप दिसंबर तक वेट कीजिए, आप देखिएगा आप लोग ही स्पीडी कैलकुलेशंस में परफेक्ट हो जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैंने बना दिया किससे? ब्लैक से इलेक्ट्रॉन को बना दिया। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में चला गया। इलेक्ट्रॉन कहां चला गया गाइस? nth ऑर्बिट में, ठीक है ना? कौन सी ऑर्बिट है ये हमारे पास? nth ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां से भाग गया अपना घर छोड़ के nth ऑर्बिट में। तो हमें ये बताना है कि कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया है। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, en is equal to क्या होता है? e ground over n square, क्या होता है? e ground over n square। तो हमारे पास n square कितना आ जाएगा? e ground over e excited। e excited कितना होता है गाइज? जितनी उसकी एनर्जी थी प्लस जितनी एनर्जी उसे हमने दी, तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो n square is equal to क्या आ जाएगा? e ground over e ground plus e photon, ठीक है ना? ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो मेरे पास आ गया e ground कितनी है गाइज? e ground है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोटोन की एनर्जी हमें कितनी दी गई है? फोटोन की एनर्जी हमें दी गई है 1028 एंगस्ट्रॉम, मतलब 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूक्लियस है यहां पे। अब नेक्स्ट में देखिए, ई एक्साइटेड हमारे पास कितनी आ जाएगी भक्तों? जल्दी से जोड़ो, आ गई -1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। पटको ये वैल्यू यहां पे, तो हमारे पास एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -13.6 अपॉन, जल्दी से बताइएगा कितनी आएगी? -1.53। इससे ये उड़ा दिया तो 9 आ गया, 9 आ गया, एन स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो एन कितना हो जाएगा जल्दी से फास्ट? एन इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब भागा था तो कौन सी ऑर्बिट में चला गया था? थर्ड ऑर्बिट में चला गया था। तो थर्ड ऑर्बिट से जब वापस आएगा तो क्या करेगा? देखो उसके आने के रास्ते कितने हैं, हो सकता है वो थर्ड ऑर्बिट में चला गया है, थर्ड ऑर्बिट से वापस आए तो हो सकता है सेकंड में आ जाए, थर्ड से किस में आ जाए? सेकंड में और फर्स्ट में, हो सकता है सीधे फर्स्ट में आ जाए, और हो सकता है क्या हो? थर्ड से सेकंड में और सेकंड से फर्स्ट में आए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है गाइज? ओनली 3, 3 पॉसिबिलिटीज वहां पे हैं। समझ रहे हो ये बात को? तो दोबारा से देख लो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3। बाकी कैसे निकालते हैं पॉसिबिलिटीज? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आई एम गोइंग टू टीच इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताऊंगा आपको ये। तो ये क्लियर है बिल्कुल? कितने हुए हमारे पास टोटल? जो टोटल फोटॉन्स देगा वो कितने देगा टोटल? 3 फोटॉन देगा। एक चीज आपने नोटिस की यहां पे डॉक्टर्स, जब वो 3 फोटॉन देगा उनमें से कम एक फोटॉन की एनर्जी वही होगी जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की थी। ये बात भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां से यहां जाने में एनर्जी कितनी लगी थी? ई फोटोन। तो यहां से यहां आने में कितनी निकलेगी? ई फोटोन निकलेगी।
अलग अलग तो नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी के लेवल का क्या है, गैप बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर लेने जाने में उतनी लगी थी तो आने में भी उतनी ही लगेगी, जानते हो ना। आप बस में ट्रैवल करते हो, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली से कहां जा रहे हो, पानीपत जा रहे हो, दिल्ली से कहां जा रहे हो, पानीपत, या दिल्ली से आप कहीं भी, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो जितना जाने में टिकट लगेगा उतना ही आने में, बशर्ते कि आप सेम बस यूज करें। तो चलिए ये बात याद रखनी है, हालांकि ये रेलिवेंट था, लेकिन चलिए क्लियर है बात बिल्कुल। करिश्मा आपका बिल्कुल सही है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मजा आ रहा है इस टॉपिक में, जल्दी से बताइए गाइस, आर यू एंजॉइंग इट? यस, मुस्कान फास्ट आपका भी सही है बेटा, फाजिल मदनी यस आपका सही है बेटा, फॉर्मूला नाइस फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला नीट के लिए तो बेटा रामबाण का काम करेगा सीधे सीधे। अगर एक फोटोन दे के आपसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, सीधे फॉर्मूला ठोको, आंसर एकदम से निकल के गिरेगा बाहर, ये लो आंसर, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ो फटाफट से, आपके बाल क्या, आपके बाल तो ये बेटा मेरे बालों पे क्यों पड़े हो कुलदीप त्रिपाठी, इससे छोटे और क्या कराऊंगा यार, तुम लोगों ने बाल कह कह के उनको कटवा दिया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब इससे आगे नहीं कटाऊंगा मैं बाल, आप चाहे कितना भी बोलें। तो नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें फटाफट से बच्चों, फास्ट यहां पे आप छोड़िए, जल्दी से आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे। लेट मी सी बेटा आप में से कितने बच्चे सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फास्ट, कितनों को मेरी बात सीधे दिमाग में घुस रही है। बड़ी शांति लग रही होगी, नहीं? तो जल्दी से करेंगे बेटा फास्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अभा उपाध्याय, थैंक यू बेटा ऐश्वर्या वर्षा, थैंक यू। चलिए आगे, शुभांगी झा आपको बातें समझ में आ गई हैं, चलिए थैंक यू महिमा, थैंक यू। आगे आप फिलहाल क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन मुझसे भी अच्छा है, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए आप अभी। ओके, तो जल्दी से रुबेल फास्ट, यस डॉक्टर अदिति, आंसर सी आ चुका है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से गाइस, एक बार देखते हैं, मुझे मालूम है। और याद रखिएगा बेटा ये क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, हम लोग भी अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग अच्छे हैं इसलिए जो अच्छा होता है उसे सब अच्छे नजर आते हैं। तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ये घंटी बज चुकी है, इधर ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम, देखो बेटा हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो हमें दे ही दिया वन, विल गिव द राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि बताओ इनमें से किसमें सबसे कम एनर्जी निकलेगी, सबसे कम एनर्जी देखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी देखिए यहां से 6 to 1 ये एनर्जी तो सबसे ज्यादा होगी, 5 to 4 ये एनर्जी क्या होगी, 6 to 5 आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था क्या होता है, E2 - E1 इज ग्रेटेस्ट, देन क्या होता है E3 - E2 ग्रेटेस्ट, देन E4 - E3 एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो क्या हो जाता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा यह बात, क्या कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, नाभिक से दूर जाने पर दो ऊर्जा कक्षों के बीच की जो ऊर्जा होती है, गैप होती है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये बात याद रखनी है। तो इनमें देखो जरा एक बार, सबसे कम गैप किसमें, 6 to 5 में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इजी था क्वेश्चन, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार हम सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट कभी भी आपके एग्जाम में, बच्चों आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कभी भी आसमान से नहीं टपकेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया भी था कि टाइम को आप इधर उधर मत तलाशिए, टाइम आपके दिमाग की उपज ही होनी है, अल्टीमेटली सबके पास 24 घंटे हैं, आप हाउ इफेक्टिवली डू यू मैनेज योर टाइम, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ। ओके, ये बात आप याद रखें, आपकी लाइफ में आप ही डिसाइड करोगे सारी चीजें, आपका कहां आप पहुंचेंगे बाय द एंड ऑफ द डे, आपका मंजिल कहां होगी, आप उस पे पहुंच पाएंगे, उस मुकाम तक आप हासिल कर पाओगे या नहीं, यह आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो ये बेटा ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे शॉर्टकट आपको 45 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, और भी प्रैक्टिस कराऊंगा, इस पे खूब सारे क्विजेज होने वाले हैं, आप लोगों को मैंने हर चैप्टर में परफेक्ट बना के छोड़ना है, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट खुद कर रहा हूं। इधर देखिए, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 328 किलो जूल पर मोल। देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि पर एटम भी दे सकता है पर मोल भी दे सकता है, ये बात याद रखनी है, देखो ध्यान से। Hence, energy of fourth orbit of Bohr's orbit. Bohr's orbit का मतलब हाइड्रोजन एटम, बताइए क्या होगी। तो यहां पे देखिए सेकेंड ऑर्बिट की कितनी है दी गई है हमें पता है E N2,
अपॉन ई एन वन, ओ ई एन वन अपॉन ई एन टू, क्या ई एन वन अपॉन ई एन टू, गाइस दो मिनट पहले बात की थी, इक्वल टू क्या होता है जेड वन ओवर जेड टू का होल स्क्वायर इन टू एन टू ओवर एन वन का होल स्क्वायर, क्लियर है गाइस। अब जरा ध्यान दो यहां से, हमें क्या दिया गया है एक बार देखो, हमें बोला गया है कौन सी ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो यहां पे सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी रख दो कितनी है माइनस 328 अपॉन जिसकी पूछी है फोर्थ ऑर्बिट की पूछी है E4 पूछा है हमें, इज इक्वल टू क्या बोला गया है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो Z1 आउट यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास N2, N2 मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन N1 मतलब 2 का स्क्वायर, समझ गए या नहीं, तो यहां से हमारे पास E4 कितनी आ जाएगी गाइस, E4 इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस 328 इंटू दिस स्क्वायर कितना होगा गाइस जल्दी से, ये उधर ले जाएंगे और इसको उधर लाएंगे तो अपॉन 8 हो जाएगा, डिवाइड करना आता है या नहीं आता है जल्दी से देखो, 328 को अगर डिवाइड करें तो कितने के आसपास बनता है, अरे 8 चौक 32 होता है भाई, कितना होता है 8 चौक 32, तो आंसर बताओ जल्दी से मुझे, डिवाइड करके बताइए फटाफट से, जल्दी डिवाइड करेंगे और बताएंगे डॉक्टर्स फास्ट। आप देख लो हमें क्या दिया हुआ है एनर्जी, एनर्जी का जब भी आपको गैप दिया जाए एटम सेम हो तो Z1 Z2 कट जाएंगे, अगर ऑर्बिट सेम हो तो क्या हो जाएगा N1 N2 कट जाएंगे, तो दोनों में से एक तो कटेगा ही कटेगा, शॉर्टकट यूज कीजिए, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने का फायदा क्या होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास अगर इसे 4 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा जल्दी से बताएं, अभी भी आंसर ए आ रहे हैं बच्चों, अरे प्लीज डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी दिक्कत है बच्चों, 4 से डिवाइड करूं इसे तो कितना आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, यस 8 चौक 32 होता है ना सीधे सीधे, तो ये सीधे सीधे हमारे पास आ रहा है माइनस ऑफ 82 ऑप्शन है किलो जूल पर मोल, कितना आ जाएगा किलो जूल पर मोल, आप देखो इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा अगर आपको फॉर्मूला पता था तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है कंपेरिजन के लिए, यही फॉर्मूला यूज होगा, गॉट इट गाइस, बढ़ो आगे जल्दी से, ये क्लियर है, देख लेता हूं कितने मेरे बच्चों का आंसर सही था, 82 बिल्कुल सही, सौविक दत्ता आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, दामिनी 100% करेक्ट, रितेश, सुशांत, ओके, कौस्तुभ, हिमांशु, किशन, यस फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत अच्छा लग रहा है कि देख के एक भी आंसर गलत नहीं है, दैट इज वॉट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल अबाउट, इसका मतलब सारी चीजें परफेक्टली दिमाग में घुस रही है, अदरवाइज आंसर किसी एक का तो गलत आता, सबके सही आंसर आ रहे हैं मतलब क्लियर है, यस ऐश्वर्या अहलावत आपका सही है बेटा बिल्कुल सही, मिस्टर मलिक आपका भी सही है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगर सबके आंसर सही आ गए तो मतलब हाफ जॉब डन, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, रहने देता हूं छोड़िए अभी नहीं पहले पढ़ाऊंगा, आप ध्यान दो जरा एक बार, आप बेटा इस बात पे ध्यान देना, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा ऐसे बहुत तेज तेज, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो क्या होता है एक बार ध्यान से सुनना ये बात आप मेरी, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो ऑर्बिट में दूर जाते हुए यानी वन फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट जैसे जैसे दूर जाता है तो उसके चक्कर लगाने की जो यानी साइकिल्स पर सेकंड क्या होते चले जाते हैं कम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाती है कम हो जाती है, सबसे ज्यादा चक्कर किसमें लगाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में तो वो जा ही नहीं सकता क्योंकि वहां जाने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि पॉसिबल है नहीं, उसका मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, प्रूव करके दिखाऊंगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, यहां पे देखिए अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है गाइस और ये हमारे पास ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या होगा ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस ऑर्बिट की टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कितनी होगी 2πr, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 2πr, और यहां पे वो किस वेलोसिटी से घूम रहा है किसी भी डायरेक्शन में वी एन से घूम रहा है, ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल की और ये इस वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसके नंबर ऑफ चक्कर्स पर सेकंड कितने हो जाएंगे जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन के चक्कर पर सेकंड, चक्कर पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी fn, इसे किससे डिनोट करते हैं fn से, तो fn विल बी इक्वल टू यहां पे लिखा हुआ है एक बार आप देख लें इसे, रब करने की जरूरत इसे लिखने की दोबारा जरूरत है नहीं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी गाइस, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी vn, कितनी हो जाएगी vn अपॉन 2πr, कितनी हो जाएगी vn अपॉन 2πrn, हमें vn पता है हमें rn पता है, वैल्यू पट को आंसर लाओ देखो कैसे, vn अपॉन 2πrn, rn क्या है rn हमारे पास है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, vn क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, उस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा कर दो
तो ये बात भी याद रखिएगा। इसे किससे डिनोट करते हैं? Tn से। तो जरा ध्यान दो, Fn कितनी आ जाती है हमारे पास, ये। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है डॉक्टर्स, अपनी नोटबुक जो साथ लेके बैठे हो नोट करना अभी के अभी, क्या Fn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यानी अगर हमें कंपैरिजन दे दी जाए, क्या दे दी जाए गाइस, कंपैरिजन अगर हमें करने को बोल दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Fn। अगर मुझे बोले कंपेयर करो तो कैसे करेंगे कंपेयर, याद रखिएगा, कंपेयर करने के लिए याद रखना है Fn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, यानी क्यूब के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कंपेयर कर दूं तो क्या आ जाएगा Fn1 ओवर Fn2 गाइस, ये याद रखिएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा z1 ओवर z2, Zn1 ओवर Zn2, Zn1 n2 होता ही नहीं है, ये तो फिक्स्ड ही होता है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास z1 ओवर z2 का होल स्क्वायर इनटू क्या लेंगे n2 ओवर n1 का क्यूब। ये बात याद रखिएगा, ये शॉर्टकट है सीधे सीधे, ये आपको क्या करेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। एक एम्स का क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जरा एक सेकंड के लिए एम्स का क्वेश्चन देखिए आप, यही के यही देखिए एम्स का क्वेश्चन, या पिछली स्लाइड पे वापस जाते हैं, जरा ध्यान दें एम्स का क्वेश्चन क्या था। एम्स का क्वेश्चन था कि एफ एन इज इक्वल टू माइनस टू ई वन ओवर एच इंटू एन रेस टू द पावर एक्स, ये हमें एनर्जी दी गई थी एम्स के क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, और ये ईवन क्या दी गई थी वहां पे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या दी गई थी यहां पे, ईवन दिया गया था, एम्स के क्वेश्चन है ये आपके सामने है, यानी इससे बच के निकलना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देखो जरा ध्यान से, ये जो एक्स पूछा था आपसे कि हियर इन दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जल्दी से देखिएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, यहां पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है थ्री, ये बात सीधे सीधे एम्स में पूछी गई है, वो लिखी हुई है देखो यहां पे। तो जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करे, यानी इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएगा एक ऑर्बिट में पर सेकंड, तो नंबर ऑफ चक्कर्स ओके बाय द इलेक्ट्रॉन इन वन पर्टिकुलर ऑर्बिट इज गिवन बाय एफ एन, एफ एन इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10 रेस टू द पावर 15, समझ रहे हो, एक बार नंबर को इमेजिन करके देखिए, यानी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में कितने चक्कर लगाता है। अगर z की वैल्यू मैं 1 रख दूं और n की वैल्यू 1 रख दूं, जरा एक बार आप इस चमत्कारी बात को देखिए, कितना आ जाएगा किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 रख दें, n की वैल्यू 1 रख दें, तो Fn कितना आ जाएगा 6.56 * 10 रेज़ टू द पावर 15। आप जरा इस नंबर को आप देखो, हाउ ह्यूज दिस नंबर इज, मतलब समझ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एक सेकंड में 10 रेस टू द पावर 15 चक्कर लगाता है, थिंक अबाउट इट, आप देख रहे हैं यहां पे कितना आएगा 10 रेस टू द पावर, यानी बहुत बड़ा नंबर है ये, यानी नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ऑर्बिट क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ये बात याद रखने की है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ जनरल डिस्कशंस कर लेते हैं आपके साथ, क्लियर है बात बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है सबको, कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि इसे हम लोग आगे बढ़ा सकें, फिर आपकी प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम मस्ट बी रेक्टिफाइड, ये बहुत जरूरी है एग्जाम में एक्सेल करने के लिए, एग्जाम को एस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं, ये कुछ आपके लिए मैंने बनाया, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए इजी हो जाए जो आपने अब तक पढ़ाया है वो, ये आपको बुक्स में डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसलिए प्लीज इसको आप सेपरेटली एक बार बनाएंगे ताकि आपको फायदा हो। देखो ध्यान से, ये क्या हमारे पास एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम, याद रखिएगा ये क्या गाइस, कीप इन माइंड, अगर आप चाहते हो कि आप 45 सेकंड से पहले क्वेश्चन सॉल्व करें और केमिस्ट्री को आधे घंटे में निपटा दें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग ये बात याद रखें। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे क्या लेके चल रहा हूं, शेल यानी ऑर्बिट, ऑर्बिट वन है, ऑर्बिट टू है, ऑर्बिट थ्री है, ऑर्बिट फोर है, और ऑर्बिट इंफिनिटी है। फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 13.6, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 27.2, पूछी गई है ये बात एमसीक्यू में एक बार पूछी जा चुकी है। अब आगे देखिए, टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में अगर E2-E1 की बात करूं तो कितना है, 10.2। सीधे आपको ये टेबल की फॉर्म में इतना आसान कर दिया गया हाइड्रोजन मॉडल को, हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोहर्स मॉडल है उसको आसान वे में आप समझ सकते हो। देखो दूसरा एक बार पढ़िए फटाफट से, तब तक मैं डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रहण कर लेता हूं, जल्दी से पढ़िए और बताइए मुझे क्लियर है या नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी भी तेज है, थैंक यू वेरी मच कपिल, फ्रीक्वेंसी बेटा आपके साथ मैच जो करानी है, ठीक है ना, यस, तो ये बात याद रखेंगे। सिमरन फास्ट, फर्स्ट हाफ, यस 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 सिमरन फास्ट बेटा, आप एक बार इस
को देखें, इसमें से आप टेक अवेज देखें कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस एक टेबल में से, इस एक टेबल में से 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। आप एम्स में, AIPMT में, जिसे अब नीट बोलते हैं, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ इस एक टेबल के ऊपर है। तो प्लीज पे अटेंशन। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो वो अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होती है, काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, तीनों के मतलब यहां पे दिए गए हैं। एक बार देखिए और बताइए मुझे जल्दी से। सर सॉल्व नहीं करवाया आपने, कौन सा? सलमान बेग, आप बताइए विच क्वेश्चन डू यू वॉन्ट मी टू सॉल्व फास्ट? आप जो बोलेंगे बेटा करके दिखाया जाएगा आपको। यस, ये टेबल आप देखिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग शॉर्टकट यूज करें, अगर आपको पढ़ाने के बाद शॉर्टकट बताए जा रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में उसका एम्बेडमेंट बहुत अच्छा हो, आपके दिमाग में ये एम्बेडेड रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस्ड ऑन बोहर मॉडल, यानी आपको ये फॉर्मूले बता दिए पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, टू बी रिमेंबर्ड वाली बात थी। क्या थी? टू बी रिमेंबर्ड, यानी ये तो दिमाग में आपके होनी ही चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी KE जिसको बोलते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी जिसको P बोलते हो, और ये क्या थी? टोटल एनर्जी, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले EN बोला था। ओके डॉक्टर्स, अब जरा ध्यान दें यहां पे, इस वाले को देखो, ये वाले फॉर्मूले हैं सीधे फॉर्मूला टेबल, यानी अगर आपने ये सिर्फ इनके नोट्स बनाइएगा, क्या करना है आपने, आज की नोटबुक में आप सिर्फ इन फॉर्मूले के नोट्स बनाइएगा और क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करना। बच्चे मुझसे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ये नोट्स बनाने हैं बस आपने, इस PDF में से आप इनको अलग से अपनी नोटबुक में रख लेना। जब भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई टेस्ट देना हो या एटॉमिक स्ट्रक्चर टेस्ट के सिलेबस में हो, तो आप इन्हें बस देख के जाइए, काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम टर्म क्या होती है? यह होती है लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, एल। अभी और भी फॉर्मूले हैं इसके आगे। रेडियस, रेडियस के लिए हमारे पास RN इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर ओवर जेड। और दूसरा देखिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास क्या है? VN। वेलोसिटी क्या गाइस? VN व्हिच इज इक्वल टू 2.18 इनटू 10 रेज टू द पावर 6 जेड बाय एन मीटर्स पर सेकंड। यानी मैक्सिमम हाइड्रोजन में वेलोसिटी कितनी हो सकती है? 10 रेज टू द पावर 6 इनटू 2.1, दैट इज द वेलोसिटी, यानी मीटर्स पर सेकंड, इतने स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती है। आगे बढ़िए, देखो ये फिर फॉर्मूले आ गए आपके सामने। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, जल्दी से बताएंगे? पोटेंशियल एनर्जी को पी से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट कर रहे हैं यहां पे? KE। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी को EN से मैंने डिनोट किया है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को मैंने FN से डिनोट किया है। तो ये इस पूरे मॉडल की आउटकम थी। अगर ये चार बातें आपको याद रही, बोहर मॉडल का एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप मुझसे बात करना, इम्पॉसिबल कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, अगर आप ये चार टेबल, तीन टेबल याद रखते हैं। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल की। ऑब्वियसली मेरी भी लिमिटेशन है, आपकी भी लिमिटेशन है, बोहर की भी लिमिटेशन थी। वो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सोच ही नहीं पाया, उसकी वजह से उसकी बहुत सारी चीजें गलत हो गई। तो यहां पे देखो, यहां पे लेक्चर पढ़ने का मतलब क्या है, आप समझिएगा बात को। अगर उसी रेगुलर कोर्स से आप चलेंगे, वही आप मेथड यूज करेंगे जो आपने पिछले साल किए थे, तो रिजल्ट भी वही होने वाला है जो पिछले साल था। तो प्लीज डोंट डू दैट, आपको अपनी जो मेथड्स हैं पढ़ने के, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो चेंज करनी पड़ेंगी। इसलिए बाद में चार टेबल स्पेशली आपको बना के दिए हैं, इनसे आप फायदा उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल की बात करते हैं। लिमिटेशन में सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, ये रही आपके सामने, देखिए। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स। मामला यहीं पे खत्म, यानी बोहर मॉडल को आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए लगा ही नहीं सकते। समझ गए हो? पक्का देख लो, दोबारा से सुनिए एक बार फिर। यानी हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है, यानी जो बोहर मॉडल हमने पढ़ा, उसको आप एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन तो बोहर ने बात ही नहीं की, और यहीं पे उसने क्या कर दी? गलबल कर दी गाइस। दूसरा देखिए हमारे पास, दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है, पहला ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी ये किसके लिए एप्लीकेबल है गाइस? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, लिथियम +2 के लिए, हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, और किसके लिए? बेरिलियम +3 के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा आप इसे किसी के लिए नहीं लगा सकते। यानी अगर आपसे क्वेश्चन बोहर मॉडल के ऊपर आया है, तो जेड या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। मेरे प्यारे डॉक्टर्स, बात समझ में आ गई है तो जल्दी से बताइएगा। यस,
पक्के से समझ में आ गई सुरभि, जल्दी से सर प्लीज एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। बेटा कौन सा क्वेश्चन यहां पे पक्के वाला एक्सप्रेशन? अच्छा बिल्कुल सही बात है, पक्के वाला एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेशंस भी नोट कर रहे हो, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पे आते हैं, ही ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन्स। एक लाइन के अंदर एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है, जैसे यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे देखिएगा आप लोग सब, गाइस प्लीज पे अटेंशन टू दिस, बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है ये बात भी। यहां पे देखिए क्या था, उसने बोला ये एक सिंगल लाइन है, उसने क्या बोला कि ये एक सिंगल लाइन है, ये क्या थी एक सिंगल लाइन उसने बना के दे दी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये एक सिंगल लाइन है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीमन, जीमन ने क्या किया इस स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये लाइन क्या हो गई, जैसे यहां पर क्या रखा मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्या हो गई स्प्लिट कर गई, ये क्या कर गई स्प्लिट कर गई, ये स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, जिसे बोलते हैं जीमन इफेक्ट, यानी इट फेल्ड टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, यानी इस लाइन के अंदर छोटी छोटी लाइन क्यों है, ये बात बोहर अपने लाइफ टाइम में नहीं बता पाया, दैट इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ दिस मॉडल। ओके गाइज आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे जरा मैं इसे हटा रहा हूं यहां से ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक में क्या बोलते हैं जीमन्स इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक में क्या बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। टोनी स्टार्क तो देखा ही होगा ना, टोनी स्टार्क सुना है ना आपने, टोनी स्टार्क द मैन ऑफ स्टील, नो रॉन्ग, ही इज नॉट द मैन ऑफ स्टील, ही इज आई थिंक दैट कैप्टन अमेरिका, No, he is not Captain America. Oh, he is Loha Man. He is what? Loha Man. Now got it, okay? mazelala.com इधर से भी शुरू हो सकती है, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए समझ गए ना, एकदम से दिमाग में आया होगा सबके कि सर क्या बोल रहे हैं, इन्होंने आयरन मैन भी नहीं देखी, बेटा मैंने देखी आयरन मैन, तो चलिए टोनी स्टार्क तो देखा होगा ना, कहीं से भी गिरे वो टूटता नहीं, तो ये स्टार्क इफेक्ट है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ध्यान देंगे स्टार्क इफेक्ट। हमारे पास क्या है, ये स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को समझाया था, और जीमन ने मैग्नेटिक फील्ड में समझाया था, ये किसमें था एमएफ में, और ये किसमें था ईएफ में, ये किसमें था गाइस ईएफ में, ये बात भी पूछी जाती है तो याद रहेगी आपको, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, बेटा इन्हें तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट इसी के नीचे है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो कंक्लूजन वॉज गिवन, ये तो मैं आपको डे वन से बता रहा हूं कि उसने कोई भी कंक्लूड नहीं किया द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। उसने क्या किया गाइज, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई यूज तो कर लिया, एनसीआरटी जरूर पढ़िएगा आप लोग, एनसीआरटी के पैराग्राफ टू में देखिएगा, बोहर्स मॉडल में दिया हुआ है, उन्होंने क्या दिया हुआ है कि बोहर ने यूज किया ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ड्यूअलिटी प्रिंसिपल को यूज तो कर बैठा, लेकिन यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन में ड्यूअल कैरेक्टर होता क्यों है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक नए साइंटिस्ट ने इस थ्योरी पे दोबारा रिसर्च की, उनका नाम था डी ब्रॉगली, समझ रहे हो बात को, दोबारा से सुनिएगा, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी में पैराग्राफ 2 पढ़िएगा, बोहर्स मॉडल में सीधे लिखा हुआ है कि बोहर ने क्या यूज किया था, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को कंसीडर किया था, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो कंसीडर क्यों कर रहा है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टुलेट्स बोलते हैं, यानी इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसके पास नहीं था। ओके मेरे प्यारे डॉक्टर्स, बढ़ो आगे, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होता है ड्यूअल कैरेक्टर होता है, इंसानों के अंदर ही नहीं है, आगे कुछ पीछे कुछ, इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही कुछ होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी ड्यूअलिटी होती है, ये बात याद रखिएगा, बहुत कम इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी फितरत आगे और पीछे सेम ही हो जाए, जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तो बीच में जो बीच का गैप होता है ये हमारे पास ऑर्बिट है गाइस, ध्यान से देखना ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिट है, इसके बीच में ये जो गैप है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है तो उसके अंदर परफेक्ट क्या होता है 100% वेव नेचर होता है, यानी उस रीजन में उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इस रीजन को बोलते हैं फॉरबिडन जोन, क्या बोलते हैं फॉरबिडन जोन, ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच में वो अपना क्या करता है नेचर चेंज कर लेता है, ऑर्बिट में आके क्या हो जाता है वो पार्टिकल नेचर, ऑर्बिट के दूसरी ऑर्बिट में जाते क्या बन जाता है पार्टिकल नेचर, लेकिन बीच में क्या होता है वेव, बहुत बढ़िया असर्शन रीजन बनेगा इस पर, याद रखिएगा ये बात आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस आवारागर्दी प्रिंसिपल, ये इस आवारागर्दी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, व्हाट इज आवारागर्दी प्रिंसिपल गाइस, हियर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, ये कहता है पढ़ाई इनटू आवारागर्दी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या कहता है ये कि पढ़ाई इनटू आवारागर्दी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पढ़ाई ज्यादा होगी तो आवारागर्दी कम होगी, यानी आपकी रैंडमनेस कम होगी, और अगर पढ़ाई कम है
इनटू कांस्टेंट, समझ गए ना आप ये बात? तो दोबारा से देखिएगा बेटा एक बार फिर से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट हिंदी में बताता हूं इसे, मैंने बड़े जम के मैंने इसको रट्टा लगाया, तो आप लोगों को भी बता देता हूं, किसी अति सूक्ष्मतम कण की गति तथा संवेग का यथार्थ तथा एक साथ वर्णन असंभव है। समझ गए, दोबारा से बोल रहा हूं एक बार फिर, समझ में आए तो मुझे सूचित करना। किसी भी गतिमान अति सूक्ष्मतम कण की संवेग तथा यथार्थ स्थिति का यथार्थ वर्णन यथार्थ संभव है। Got it guys? तो अगली बार मत बोल देना कि हिंदी में बात करो सर, याद रखिएगा, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन, दैट इज वॉट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट। तो दोबारा से फिर एक बार फिर बोलूं, किसी गतिमान अति सूक्ष्मतम कण की गति तथा संवेग तथा स्थिति का यथार्थ वर्णन असंभव है, इम्पॉसिबल। तो इसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हिंदी भाषी बोलते हैं कि हिंदी बोलिए, लो बेटा हिंदी बोल डाली, आप समझ गए होंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बता दिया, ये इसके बारे में बात डिटेल में करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को, इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को बातें समझ में आनी चाहिए। अगली बार मैं आपसे बात करने वाला हूं, बहुत ऑसम ब्लॉसम, क्या बात करेंगे बेटा, ये पढ़ के आना है आपने, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइन बनती है, लाइन कैसे बनती है, लाइन का मतलब क्या है, अगर एक एटम दे दे तो कैसे देखेंगे, अगर तीन एटम दे दे तो कैसे देखेंगे। जैसे मैं अभी आपसे अगर बोलूं कि नंबर ऑफ एटम फिक्स कर दो, तो बताओ कितनी एनर्जी लेवल्स बनेंगे, कितनी ऑर्बिट्स, कितने फोटोन एमिट होंगे, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों अलग होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों अलग होता है, ये बातें मैं कल आपके साथ दोबारा से करूंगा गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट मोहम्मद सैफ अली, आपको बातें समझ में आ गई बेटा? नहीं सुरभि, आप बोल रहे हो इतनी हिंदी, आधा घंटा रट्टा लगाया इस एक सेंटेंस का, क्योंकि हिंदी तो मुश्किल है, इंग्लिश तो आसान होती है, तो ये क्योंकि टिपिकल वर्ड्स होते हैं उसमें सर, नो हिंदी ओनली इंग्लिश, ये बोलना शुरू कर दिया, वरना उल्टा होता है, आप ही लोग बोलते हो कि हिंदी बोलिए सर इंग्लिश नहीं, आज उल्टा गंगा उल्टी बह रही है आज। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, बात समझ में आ गई आपको, दामिनी क्लियर है बात? तो अब यहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप जरूर पढ़ के आए, कल आप लोगों से फिर मुक्कालात होगी इसी टाइम पे, और फिर बात होगी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, विच इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो चलिए कुछ जनरल डिस्कशंस आपके साथ पहले कर लेता हूं जल्दी से, फिर ये रंगीन चीजें आपको कल दिखाई जाएंगी, ये पिक्चर अभी बाकी है कल के लिए। तो अब आगे बढ़ जाते हैं 11th ग्रेड के लिए बेटा, एक बार टाइमिंग्स जरूर नोट करें, क्योंकि बदली हैं टाइमिंग्स, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ध्यान रखेंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री 4, 5, 6, ओके, बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दीज आर दी टाइमिंग्स ऑन मंडेज ट्यूजडेज एंड वेंसडेज, ओके गाइज। दूसरे में देखेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे, द टाइमिंग्स आर सेम, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री 4, 5, 6, ओके, फॉर 12th ग्रेड, दोज हु आर ड्रॉपर्स दे शुड अटेंड बोथ ऑफ द क्लासेस, ओके, बट डोंट अटेंड मल्टीपल क्लासेस टू किल योर टाइम, ओके, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके गाइज। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है बेटा, इतनी खूबसूरत बातें अगर आपने पढ़नी है, इतने तरीके से पढ़ना है, आप कोई भी मटेरियल उठा लीजिए जो मैंने आपको टेबल्स बना के दिए, शॉर्टकट में नहीं मिलेंगे आपको, तो ये बात याद रखिएगा, सब्सक्राइब अभी के अभी करना है, और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना यू गोइंग टू मिस सम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम आर साइड, ओके गाइज। आगे बढ़ते हैं बेटा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए अभी के अभी, उसके बाद tinyurl.com/neetlivechat, ये आप टाइप करेंगे उसमें, स्लैश मतलब वो टेढ़ा डंडा, उसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हो, ओके गाइज। आगे बढ़े, नीट लाइव कोड आप आज अभी एक्सप्लोर कीजिएगा, और बेटा एक साल से कम के सब्सक्रिप्शन मत लीजिए आप लोग, आपको नुकसान होता है उसमें, दोबारा लेना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें 9 से 10, 11 महीने अभी हमें साथ रहना है, और उसके बाद भी साथ रहना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का साथ है। तो चलिए गाइज, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहे और बहुत पढ़ाई करें, ठीक है गाइज। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके आज, थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ऑल।